तो बच्चों बेसिक मेथड्स की इस वीडियो में आज हम डिरिचलेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, अभी भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये डिरिचलेट थ्योरम होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था राइट, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स टू द पावर एल माइनस वन, वाई टू द पावर एम माइनस वन, जेड टू द पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड राइट। अगर ऐसा लिखा हो तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, गामा एल इंटू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। ये मैंने डिरिचलेट थ्योरम में डिस्कस किया हुआ था राइट। अगर ऐसा लिखा हो तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है तभी हम ऐसा लिख पाएंगे। और कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जेड ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए और ये कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू वन होना चाहिए राइट। इसी कंडीशन में अगर ऐसा लिखा हो तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ओके। तो मैंने डिरिचलेट थ्योरम को प्रूव भी किया था ओके। आप आई बटन पर क्लिक करके इस टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं ओके। तो जैसा कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ ओके। यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल एक्स टू द पावर एल माइनस वन इंटू वाई टू द पावर एम माइनस वन इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर एक्स वाई जेड राइट आर ऑलवेज पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ है ओके। अब यहाँ पे जो डिरिचलेट थ्योरम है उसमें ये कंडीशन दिया हुआ है ओके, ये कंडीशन होना चाहिए। बट यहाँ पे हम डिरिचलेट थ्योरम अप्लाई करेंगे ओके। तो इस प्रॉब्लम के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इस कंडीशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओके। तो यहाँ पे देखिए हम टेक्निक क्या यूज कर रहे हैं, अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ राइट। तो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं राइट, इसे हम मान लेते हैं क्या, यू बी और डब्ल्यू मान लेते हैं ओके। नाउ लेट x बाई ए होल टू द पावर p इक्वल, इसे मैं मान लेता हूँ u ओके। तो यहाँ से x क्या बन जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम पावर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई पी हो जाएगा, क्योंकि ये बात जानते हैं कि अगर x टू द पावर k है इधर a है राइट, पावर जब ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या बन जाएगा, a पे 1 बाई k हो जाता है, पावर उल्टा हो जाता है उधर जाके राइट। तो यहाँ से देखिए x इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x इक्वल ए इंटू ऐसा बन जाएगा राइट। और अगेन यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, लेट वाई बाई बी होल टू द पावर क्यू इक्वल, इसे हम मान लेते हैं क्या, भी मान लेते हैं राइट। तो यहाँ से वाई इक्वल क्या बन जाएगा, बी इंटू भी टू द पावर वन बाई क्यू। और यहाँ पे इसे हम क्या मान लेते हैं, लेट जेड बाई सी टू द पावर आर इक्वल, इसे हम मान लेते हैं क्या, डब्ल्यू। तो यहाँ से जेड इक्वल क्या बन जाएगा, सी इंटू डब्ल्यू टू द पावर वन बाई आर हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो है कि वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये यू भी डब्ल्यू जैसा कि हमने माना था यू भी डब्ल्यू, और उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा राइट। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हमने इसको चेंज किया हुआ है इस यहाँ पे, तो ये भी जो है ट्रिपल इंटीग्रल भी यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला हुआ है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाके हमें डी एक्स डी वाई डी जेड मिलेगा राइट। अच्छे से यहाँ पे आप टेक्निक समझिए किस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा क्या, ए बाई पी, ऐसा लिख सकते हैं यू टू दी पावर वन बाई पी माइनस वन राइट इंटू डी यू। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई क्या आ जाएगा, बी बाई क्यू भी टू दी पावर वन बाई क्यू माइनस वन डी भी ओके। और यहाँ से ये डी जेड इक्वल क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल हो जाएगा सी बाई आर इंटू डब्ल्यू टू दी पावर वन बाई आर माइनस वन। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, द गिवन इंटीग्रल अब ये जो इंटीग्रल था अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा,
ए यू टू दी पावर वन बाई पी, और आप देख सकते हैं कि पावर क्या है एल माइनस वन, राइट। और यहाँ पे y के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे b इंटू वी टू दी पावर वन बाई क्यू, और इस पावर क्या हो जाएगा m माइनस वन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि z के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे c इंटू डब्ल्यू टू दी पावर वन बाई आर होल टू दी पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dx dy dz ये क्या दिया हुआ है a बाई पी यू टू दी पावर वन बाई पी माइनस वन डी यू, राइट। डी वाई कितना आया हुआ है बी बाई क्यू वी टू दी पावर वन बाई क्यू माइनस वन डी वी, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा इंटू डी जेड, डी जेड कितना आया हुआ है सी बाई आर, सी बाई आर इंटू डब्लू वन बाई आर माइनस वन डी डब्ल्यू, ओके। नाउ अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या बन जाएगा जो कांस्टेंट है मैं उससे बाहर कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर, राइट। इससे मैं बाहर कर देता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा, ये हो जाएगा a बाई पी इंटू बी बाई क्यू इंटू सी बाई आर। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा कि ये जो कांस्टेंट है, राइट, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट है और इसे पावर एल माइनस वन है, तो इसको भी मैं बाहर कर देता हूँ, राइट। तो जब ये ए बाहर आएगा तो ये अपना पावर लेके आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एल माइनस वन, राइट, इंटू यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा बी इंटू, राइट, कैसा कुछ ऐसा हो जाएगा, और सी वाला क्या हो जाएगा c टू दी पावर n माइनस वन, राइट। अब यहाँ पे क्या बच गया, ट्रिपल इंटीग्रल बचा हुआ है क्या u टू दी पावर l माइनस वन बाई पी, ओके। भी पे पावर कितना बचा हुआ है आप देख सकते हैं कि m माइनस वन बाई क्यू, राइट। और यहाँ पे w पे देख सकते हैं क्या बचा हुआ है, w टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है, u टू दी पावर वन बाई पी माइनस वन कुछ ऐसा बचा हुआ है, इंटू v पे देख सकते हैं v पे पावर वन बाई क्यू माइनस वन, और w पे यहाँ पे देख सकते हैं क्या बचा हुआ है वन बाई आर माइनस वन डी डब्ल्यू, ओके। आई होप कि ये दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ से, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, जो ये सब मल्टीप्लाई में है तो a का पावर वन है, राइट, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर l b टू दी पावर m इंटू सी टू दी पावर n डिवाइडेड बाई p q r, ओके। नाउ ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है, राइट, और इनके जो पावर हैं आप अच्छे से देखिए, राइट। और आप पढ़े हैं फार्मूला कि अगर बेस बराबर हो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, राइट, मेरा मतलब कि अगर ये बेस बराबर है मल्टीप्लाई के, फार्मिंग के पावर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा वैसा ही कुछ होगा, तो इनके पावर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एल माइनस वन, ठीक है, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या u टू दी पावर, ये हो जाएगा l माइनस वन, राइट, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यानी वन माइनस पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस पी ऐसा होगा, तो प्लस वन से माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्चुअली ये बन जाएगा क्या u टू दी पावर l माइनस पी बाई पी कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। अब टेक्निक यहाँ पे आप समझिए, राइट, और एक बार हम अलग अलग कर देते हैं, राइट, एक बार एल बाई पी करेंगे एक बार, या फिर ऐसा आप करिए यहाँ पे कि बेस बराबर है, राइट, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यानी एल बाई पी माइनस वन बच जाएगा, यानी ये क्या बच जाएगा यू पे एल बाई पी माइनस वन, भी पे क्या बच जाएगा एम बाई क्यू माइनस वन, और डब्ल्यू पे यहाँ पे क्या बच जाएगा, राइट। मैंने देखिए कि एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हुआ है, राइट, और ये मुझे क्लीन करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया था डी यू डी वी डी डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे हो गया। और V पे जो पावर है इनको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और W वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी N बाई R, राइट। और ये क्या हो जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू वी डब्ल्यू जो है कि जैसा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि इसे ही तो हमने माना था यहाँ पे, राइट। इसको हमने यू माना था, इसको मैंने वी माना था, और इसको मैंने डब्ल्यू माना था, लेस देन इक्वल टू वन। और इस कंडीशन में जैसा कि जब हमने इसको चेंज किया था तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी हमारा चेंज होगा ना, राइट। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप जो है कि डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो एक्चुअल हमारा जो आंसर है कुछ इस तरह से आ गया, सी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई पी क्यू आर इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा एल बाई पी, राइट। गामा एल बाई पी इंटू गामा एम बाई क्यू इंटू गामा एन बाई आर एंड डिवाइडेड बाई गामा क्या हो जाएगा एल बाई पी प्लस एम बाई क्यू। हो सकता है कि नीचे ये ज़्यादा दिख नहीं रहा हो, बट आप समझने का प्रयास करिएगा तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बाई पी प्लस एम बाई क्यू प्लस एन बाई आर प्लस वन, राइट। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करा, राइट। तो यहाँ पे अब मैं सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल वन बाई यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल्स, राइट। हमें डिरिचलेट इंटीग्रल्स का यूज करना है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए किस टेक्निक से हम ये वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। जैसा कि आप वॉल्यूम इंटीग्रल, जैसा कि आप जानते हैं कि वी इक्वल क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके। तो यहाँ पे हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, डिरिचलेट इंटीग्रल्स के लिए जैसा कि कंडीशन होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, ऐसा तो यहाँ पे कंडीशन है नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए किस टेक्निक से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल हम मान लेते हैं क्या यू मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर यू, राइट। और जब हम स्क्वायर हटाएंगे, राइट, ये टू हटाएंगे इधर जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा वन बाई टू, और ये वन बाई टू पावर इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, राइट। और जब इस पर होगा तो टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्स इक्वल ये आ जाएगा ए इंटू यू पे पावर वन बाई टू, राइट। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बाई टू यू पे पावर वन बाई टू माइनस वन डी यू, राइट। अब यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, लेट एक्स वाई स्क्वायर बाई बी, सॉरी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसे मान लेते हैं क्या बी मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ से वाई इक्वल क्या बन जाएगा बी इंटू बी पे पावर वन बाई टू, और यहाँ से डी वाई क्या बन जाएगा बी बाई टू वी पे पावर वन बाई टू माइनस वन। हम चाहते तो इसे सॉल्व भी कर सकते थे, बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा, राइट। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, लेट जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ, तो जेड इक्वल क्या बन जाएगा ये सी इंटू डब्ल्यू पे पावर वन बाई टू, और डी जेड इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बाई जेड, सॉरी सी बाई टू, ओके डब्ल्यू पे पावर वन बाई टू माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं वो हम पहले फर्स्ट ऑक्टेंट में फाइंड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि एट ऑक्टेंट होते हैं जैसा कि आपको पता है, तो मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में फाइंड कर रहा हूँ और एट का उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, राइट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यह काम कर लेता हूँ, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल एट इंटू वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट, राइट। मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया हूँ, या तो आप पॉजिटिव ऑक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, राइट। वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट फाइंड कर लीजिए, एट का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं 8 ऑक्टेंट का। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, राइट। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स दिया हुआ है आपका ए बाई टू यू पे पावर 1 बाई टू माइनस 1 डी यू मल्टीप्लाई, राइट इंटू। अब यहाँ पे डी वाई गिवेन है कितना b बाई टू, राइट, और ये कितना हो जाएगा v पे पावर 1 बाई टू माइनस 1 डी बी, राइट। इसी के जैसा ये थर्ड वाला फोर्थ क्वेश्चन है, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे जो है कि अलग फार्मूले से सॉल्व होगा, लिवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी जेड, राइट, ये कितना दिया हुआ है c बाई टू डब्लू टू द पावर 1 बाई टू माइनस 1 डी डब्लू, राइट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू ए बी सी बाई टू इंटू टू इंटू टू 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल यू पे पावर 1 बाई टू माइनस 1 डी यू। मैं चाहता तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, बट समझाना भी है आपको, राइट। डी डब्लू टू द पावर 1 बाई टू माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्लू, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिरिचलेट्स थ्योरम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यू वी डब्लू यू प्लस वी प्लस डब्लू इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, राइट। आप देख सकते हैं इस केस से, राइट, इक्वल टू 1 तो है ही यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी सी इंटू गामा 1 बाई टू गामा 1 बाई टू गामा 1 बाई टू एंड डिवाइडेड बाई, हो सकता है नीचे ये दिखे ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट। एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर जैसा कि नीचे लिखते समय ये कट जा रहा है, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या ए बी सी गामा 1 बाई टू, राइट। अब गामा 1 बाई टू का मतलब आप समझते हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन की मैं पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, राइट, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे सेट करना तो भूल ही जाता हूँ, राइट। तो अब आगे से मैं आई बटन पे सेट कर दिया करूँगा हर चीज़। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्या ए बी सी 1 बाई टू रूट पाई रूट पाई रूट पाई, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट पाई पावर 3, क्योंकि आपको पता है कि गामा 1 बाई टू इक्वल रूट पाई, ऐसा होता है ना, मैं प्रूव भी कराया था कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 बाई टू 1 बाई टू 1 बाई टू 1 1 1 3 3 बाई टू मीन्स कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा गामा 5 बाई टू, राइट। और ये क्या आ गया ए बी सी, इसको आप लिख सकते हैं पाई रूट पाई, राइट। और यहाँ पे देखिए 5 बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम 3 बाई टू 1 बाई टू रूट पाई, क्योंकि गामा 1 बाई टू होगा ना, और गामा 1 बाई टू रूट पाई, तो ये रूट से ये कैंसिल कर गया, और इसको आप लिख सकते हैं क्या ए बी सी, राइट, इंटू ऊपर जाएगा तो ये 4 पाई बाई 3, अच्छे से अरेंज कर दीजिए 4 पाई बाई 3 इंटू ए बी सी, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, और यहाँ पे जो है कि एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट, इस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं फोर्थ क्वेश्चन पर भी मैं इसी के साथ साथ मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से अलग टेक्निक से लगाया जाएगा, इसके लिए मैं अभी एक और थ्योरम आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर इसमें थोड़ा बहुत कहीं छूटा हो वगैरह, राइट, कुछ मिसिंग हो तो इसे आप
समझ सकते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, अप्लाई द डिरिचलेट थ्योरम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। और ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस y बाई बी टू द पावर 2/3 प्लस z बाई सी टू द पावर 2/3 इक्वल 1 दिया हुआ है, राइट। ये सेम टू सेम फर्स्ट और सेकेंड जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था उस तरह से भी इसी को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मान लेते हैं क्या, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लेट x बाई ए होल टू द पावर 2/3 इक्वल, मैं मान लेता हूँ क्या, इसे मैं मान लेता हूँ u, राइट। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे x बाई ए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, u पे पावर 3/2, ओके। अब यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मान लेंगे क्या, लेट v इक्वल, राइट, सॉरी y बाई बी टू दी पावर 2/3, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ, राइट। तो यहाँ से y इक्वल क्या बन जाएगा, b भी पावर 3/2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, z बाई सी टू दी पावर 2/3, इसको क्या मान लेते हैं, ऊपर दिख रहा ना, ज़्यादा मैं ऊपर तो नहीं लिख दिया ना, वन मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, वैसे सही तो है, राइट। ये हो जाएगा 2/3 इक्वल, और इसे मैं मान लेता हूँ क्या, w में मान लेता हूँ, राइट। तो z इक्वल क्या हो जाएगा, c इंटू डब्ल्यू पावर 3/2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या निकल जाएगा, dx इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 a u पे पावर 3/2 माइनस 1, राइट। मैं इसको मल्टीप्लाई करके मैं इससे जो है कि सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि जो डिरिचलेट इंटीग्रल्स होता है, जो मैं थ्योरम बताया था उसमें आप देखेंगे कि x टू द पावर एल माइनस 1 होता है, y टू द पावर m माइनस 1, राइट। तो ये यहाँ पे ये l का काम कर रहा है, राइट, और माइनस 1 तो है ही, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से dy क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, dy क्या हो जाएगा, 3/2 बी इंटू वी पे पावर क्या हो जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ना, तो ये हो जाएगा du। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dy इक्वल ये हो जाएगा 3/2 बी इंटू वी पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 dv, ओके। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, dz इक्वल पावर आगे आ जाएगा 3c/2 w पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 dw, राइट। अब जो यहाँ पे वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं वो 8 ऑक्टेंट में फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में फाइंड करके मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, या फिर मैं डायरेक्ट फाइंड कर ले रहा हूँ, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 इंटू वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, ये हो जाएगा क्या, dx dy dz, एक्चुअली वो सारा वैल्यू यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल 3/2, राइट, a u पे पावर 3/2 माइनस 1 du इंटू dy मिला हुआ है 3/2, राइट, b v पे पावर 3/2 माइनस 1 dv, और ये मिला हुआ है 3/2 c इंटू w पावर 3/2 माइनस 1 dw, ओके। अब जो कांस्टेंट है उसे मैं बाहर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, 8 इंटू 3/2 इट मीन्स कि 27/8 हो जाएगा, और a b c एक्चुअली ये सब कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या बन गया, u पे पावर 3/2 माइनस 1, राइट, b पे पावर 3/2 माइनस 1, और w पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, और ये क्या हो गया, du
डी वी डी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ से अब देख सकते हैं ये 8 से ये 8 कैंसिल कर गया, 27 ए बी सी। अब यहाँ पे जो है कि हम डिचलेट थ्योरम को यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू वी डब्ल्यू ये जो कंडीशन यहाँ पे जो होगा सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1, इस केस में ये 1 है राइट, सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम डिचलेट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं राइट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 राइट, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा होना चाहिए राइट, थोड़ा सा कट रहा है बट आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से ये हो गया 27 ए बी सी, 27 ए बी सी राइट, गामा 3/2, गामा 3/2 का मतलब आप क्या समझते हैं, 1/2 इंटू गामा 1/2 राइट, तो गामा 1/2। अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, गामा 3/2 यहाँ पे भी गामा 3/2, ये क्या होगा 1/2 इंटू गामा 1/2, ये भी होगा 1/2 इंटू गामा 1/2, तो 1/2 मैं ऐसा बाहर कर लूँगा राइट, और ये बनेगा क्या गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, समझ में आ रहा है ना। अगर बीटा गामा फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 × 3 × 3 राइट, 3 × 3 × 6 × 3 × 9 ऐसा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है राइट, 9/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2 गामा 11/2, तो ये क्या बन गया 27 ए बी सी, और ये हो गया 1/8, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √π √π, तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं राइट, या फिर हम इसे ऐसा लिख देते हैं π × √π, और यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 7/2 राइट, मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू गामा 1/2 ऐसा होगा, और गामा 1/2 हम क्या लिख सकते हैं √π लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल कर गया, और 2 × 2 × 2 × 2 सॉरी 2 × 2 = 4 × 8 तो ये तो कैंसिल कर गया यहाँ से राइट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 9³ = 27 ओके। अब जो बचा हुआ है उससे हम ऊपर कर देते हैं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ए बी सी, यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या 4π/7 × 35 35/ABC, दिस इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम या आंसर राइट। तो बहुत ही आसान था इस चीज़ को समझ पाना, आई होप कि जो जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया अभी तक, 1, 2 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, दूसरा भी, तीसरा मैंने नहीं सॉल्व करा हुआ है क्योंकि तीसरे में थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है, ल्यूलिच एक्सटेंशन डिरिचलेट थ्योरम का यहाँ पे हम यूज करेंगे, उसकी हेल्प से थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अभी मैंने थ्योरम नहीं बताया हुआ है, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई डिरिचलेट थ्योरम्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मैंने इसको भी सॉल्व करा यहाँ पे कुछ इस तरह से ओके। तो आई होप कि टेक्निक तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए राइट, और कमेंट भी करिए।